हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री एम्पायर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एडिट के रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट के बाद आपकी कौन सी प्रोसेस होगी, रिजल्ट कब आएगा। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे और वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि भैया यहाँ पर रिजल्ट कब आएगा आपका एडिट का। तो यहाँ पर आपको बता दूँ मैं फ्रेंड्स, आपके अभी कुछ ही दिन हुए हैं आपके रिजल्ट एग्ज़ाम हुए, तो आपके इतनी जल्दी अभी रिजल्ट नहीं आने वाला है। मान के चलें तो अभी कुछ दिन अभी लगेंगे आपके रिजल्ट आने में। और यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, रिजल्ट कब आएगा ये वीडियो के एंड में आपको ज़रूर बताऊँगा, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। तो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि उनके भी यहाँ पर कोई भी डाउट्स ना रह जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं काउंसलिंग। आपका रिजल्ट आने के बाद आपकी क्या होगी, काउंसलिंग प्रोसेस होगी। काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है, इसके ऊपर मैंने एक फुल डिटेल्ड वीडियो बना दी है अपने चैनल में। तो आप मेरे डायरेक्ट चैनल में जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैं उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहां पर बता दूं आपको आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है एडिट का। तो यहां पर आपके फ्रेंड्स लगभग जुलाई के एंड तक आपका रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम हुए, अभी कुछ ही दिन हुए हैं आपकी आंसर की, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुई आंसर की को आए। तो आपके आंसर की आएगी, उसके बाद रिजल्ट जाएगा। रिजल्ट में क्या क्या रहता है, तो आपको अपनी रैंक पता चलेगी रिजल्ट में, प्लस आपके नॉर्मलाइजेशन वाले यहाँ पर स्कोर पता चलेंगे कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, ये आपको अपने रिजल्ट में पता चल जाएगा। रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग क्या है, उसके लिए आप एक वीडियो देख लीजिएगा जो मैं आपके लिए बना चुका हूँ ऑलरेडी से। तो यहाँ पर काउंसलिंग के बाद आपको अलॉट हो जाएगा कॉलेज। कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा फिजिकल तौर से। तो यहाँ पर इतनी प्रोसेस होती है फ्रेंड्स आपके एडिट एग्ज़ाम से लेकर अलॉटमेंट तक। तो यही थी आपकी सारी प्रोसेस, और मैंने एक इसके ऊपर एक फुल डिटेल्ड वीडियो भी बना दी है, पेमेंट सीट, फ्री सीट कितनी क्या होती है, स्कॉलर कितनी मिलती है, हॉस्टल क्या व्यवस्था है, इसके ऊपर मैंने एक फुल डिटेल्ड वीडियो बना दी चैनल में, वो उपलब्ध है, तो आप वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ।